हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने माइक्रोसॉफ्ट एज ब्राउज़र में डिफ़ॉल्ट सर्च इंजन को कैसे चेंज कर सकते हैं। यस, माइक्रोसॉफ्ट एज ब्राउज़र आज के डेट पे बहुत ही एडवांस क्रोमियम वर्शन ब्राउज़र है और इस ब्राउज़र के ब्राउजिंग एक्सपीरियंस इज़ वेरी डिफरेंट। माइक्रोसॉफ्ट एज ब्राउज़र आज के डेट पे बहुत ही अमेजिंग ब्राउजिंग एक्सपीरियंस दे रहा है अपने यूज़र्स को। इसमें आप ब्राउजिंग करेंगे तो इसमें इतने सारे फीचर्स नए इंक्लूड किए गए हैं क्रोमियम वर्शन पे, जो आपके ब्राउज़र एक्सपीरियंस को बनाएगा बहुत ही अमेजिंग। तो दोस्तों, बाय डिफ़ॉल्ट माइक्रोसॉफ्ट एज ब्राउज़र बिंग सर्च इंजन को यूज़ करता है। चलिए देख लेते हैं। सपोज़ आप यूट्यूब को सर्च कीजिए तो दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पर बिंग सर्च इंजन यूज़ हो रहा है। इन केस इफ़ यू वॉन्ट टू चेंज इट टू गूगल तो आपको क्या करना है? तो सर्च इंजिन को चेंज करने के लिए आपको राइट साइड में आपको एक मेनू बार शो हो रहा है और इस मेनू बार को क्लिक कीजिए एंड गो टू बॉटम एंड यू विल सी सेटिंग गियर इज़ देयर। सेटिंग का ऑप्शंस हैं, इसमें आप क्लिक कीजिए तो दोस्तों सेटिंग का पेज ओपन होके आ जाएगा। ऑन योर लेफ्ट साइड आप यहाँ पर देख सकते हैं बहुत सारे ऑप्शंस हैं आपके पास। इसमें दोस्तों प्राइवेसी एंड सर्विस में जाइए। तो नाउ यू स्क्रॉल डाउन टू द बॉटम ऑफ दिस पेज एंड यू विल फाइंड एड्रेस बार का ऑप्शन है यहाँ पे, आप इसमें क्लिक कीजिए। नाउ दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं सर्च इंजन यूज इन द एड्रेस बार, सो वी नीड टू चेंज इट। यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे आपको बाय डिफ़ॉल्ट, सो वील चूज़ गूगल। If you want to choose Yahoo, DuckDuckGo, whatever you want to choose, you can choose, right? Okay, तो Google हम select कर लेते हैं and now you just restart the browser. Now reopen it. तो दोस्तों अभी आप फिर से YouTube को search कीजिए and यू विल फाइंड कि आपका सर्च इंजन चेंज हो चुका है और इसमें आपका गूगल सर्च इंजन आ चुका है, राइट? ये बहुत ही सिंपल स्टेप है और ये माइक्रोसॉफ्ट एज ब्राउज़र भी बहुत ही ऑसम है। यू कैन वेरी वेल ट्राई इट, राइट? एंड इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड कॉमेंट और लाइक करना मत भूलिएगा एंड कीप वॉचिंग टिकटॉक। थैंक यू फॉर वॉचिंग।